Hi guys, it's me, Shikawa. Welcome back to my channel and welcome to a new video. Most awaited video because there are many junior girls who want to start their YouTube channel in 2024 and have no idea. सो so बेसिकली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स रिसीव होते हैं कि मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ मुझे अपनी चैनल बनानी है ये करना है सो आई थॉट दैट इंडिविजुअली मैं रिप्लाई सबको करती हूँ जो भी प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ कि हाँ आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं अगर मेरे बस पे है तो मैं सॉल्व ज़रूर करूंगी एनी डे So I thought that I should sit down and I should share that if I was in 2024 if I want to restart my YouTube journey how would I do in 2024 So for today's video I'll be talking about four major things which is how to make a YouTube channel second monetization how to like how to monetize it what are the main things you should keep in your mind uh, basically there are one two three four Five things. Then, third is how to earn money through YouTube. And fourth is how much time it will take for you guys or for anyone to grow your channel in 2024. एंड बेसिकली आई अलॉट मोर बिकॉज मैं अपनी भी जर्नी साथ ही साथ शेयर करूँगी जो भी डिफिकल्टीज मुझे हुई है सो so दैट कि आपको ना हो तो मैं ये सब चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉच यू ओके सो द फर्स्ट थिंग इज यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें लाइक हाउ टू स्टार्ट द चैनल एंड हाउ टू मेक द आई डी वगैरह सो द मेजर कन्फ्यूजन इज जब हम कोई न्यू ये तो आपको सबको पता है कि हमें एक न्यू जी मेल आई डी चाहिए होती है सो so आफ्टर वो बना अब जब आपको वो बनाना है सो द मेजर कन्फ्यूजन इज़ कि हमें पर्सनल रखना है या बिजनेस रखना है तो so, अभी यूट्यूब को लेके एक थिंकिंग हो गई है कि इससे तो हम अर्न कर सकते हैं देन वी शुड लाइक पुट अ बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आपको पर्सनल ही रखना है एंड आपका जो यूट्यूब का जी मेल है उसको अलग रखना है जो आप फॉर कोलेब्रेशन यूज़ करोगे या तो फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ करोगे एक सेकेंडरी मेल भी आपके पास होना चाहिए डायरेक्टली गो इन योर क्रोम और सफारी जहाँ पे भी आपका है वहाँ पे जाओ एंड देन सर्च की यूट्यूब साइन इन फिर आपको आपको वो डेस्कटॉप साइट वगैरह क्लिक करना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल ऐसे नहीं है कि आपने जी मेल बना लिया एंड फिर यू यूट्यूब के ऐप में जाके अपने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया दैट्स नॉट योर चैनल सो यू नीड टू क्रिएट अ चैनल तो इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी है तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच इन दैट क्योंकि ये मेरा नीच नहीं है नाउ मोनिटाइज़ हाउ टू मोनिटाइज योर यूट्यूब चैनल सो बेसिकली जब मैंने जब मैंने मोनिटाइज़ किया था अपना चैनल तो दैट टाइम देर वॉज़ अ थ्रेश होल्ड की uh, कितना वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एंड फोर थाउजेंड वॉच आवर्स लाइक सुनने में ही मुझे तो लगता था कि आयो नो वो कौन इंसान होते हैं किन कौन से लोग हैं जिनका फोर थाउजेंड वॉच आवर्स कम्प्लीट होता है एंड फिर वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कैसे हो सकते हैं बट देन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बाद से आई वुड से 2023 से बेसिकली ट्वेंटी ट्वेंटी एंड से ना यूट्यूब का शॉर्ट्स बहुत ज्यादा लाइक पॉपुलर हो गया है so, सो अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना कुछ भी नहीं है दो वॉच आवर्स कंप्लीट करना इज अ टास्क स्टिल सो दिस वाज द थिंग फॉर मोनिटाइजेशन तो ये अगर आपका हो गया तो यू आर डन एंड आई गेस शॉर्ट्स के लिए अभी कुछ और आया है फाइव सब्सक्राइबर्स एंड टेन मिलियन व्यूज समथिंग ऐसा है सो दैट्स अ केस ये भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो थिंग्स टू कीप इन माइंड अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हो या तो आपने बना लिया है फर्स्ट थिंग इज नीश नाउ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है दैट यू स्टार्ट योर चैनल एंड देन आप एक जो आपको जो आपकी वीडियो चल जाए वो चल जाए ठीक है दिस इज़ सेकेंडरी बट फर्स्ट इज़ मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइक like, अगर मुझे किसी को रेकमेंड करना है या तो मुझे किसी को बताना है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यूट्यूब चैनल बनाने से पहले लाइक like, uh, आपका जो फर्स्ट वीडियो है उसे अपलोड करने से पहले मेक कम से कम टेन टू फिफ्टीन वीडियोज चेक योर सेल्फ एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है बी रियल किसी भी यूट्यूबर को देख के उसका एक्सेंट या तो उसका सब चीज़ कॉपी करने का कोशिश मत करो बिकॉज आजकल देर आर फ्यू क्रिएटर्स यू नो लाइक बंच ऑफ क्रिएटर्स अगर यू कैन अंडरस्टैंड अगर मैं अपने एज की बात करूँ सो so, मोस्टली मेरे एज के जितने भी लोग हैं ना लाइक like जितने भी ऑडियंस हैं दोज वॉच दोज क्रिएटर्स ओनली तो आपको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा इफ़ आई कॉपी हर एक्सेंट और समथिंग बट पीपल विल नो तो वो बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ेगा आई हैव सीन आई हैव सीन पीपल क्योंकि एग्जैक्ट वही वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं सो इट्स लाइक नो यू शुड नाट तो दैट्स द फर्स्ट केस एंड नाउ द थिंग इज कि नीश आपको कैसे सिलेक्ट करना है वही मैं बता रही थी आपको कि देखो मेरे केस में क्या इफ यू लुक इन टू माई चैनल यू विल सी मोर ऑफ फैशन एंड ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल राइट बट देन अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ YouTube से पहले मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था इट्स लाइक कि मेरे पास कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं होते थे मेरे पास क्या लाइक आई हैव सीन माय मॉम आल्सो नॉट हैविंग एनी फाउंडेशन इन हर लाइफ तो माय मासी व सामवान जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मे का इनका फिट मी फाउंडेशन ला के दिया था सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट तो कुछ कुछ चीज़ें ना आप इवेंचुअली सीखना स्टार्ट कर देते हो तो so, मैंने अपना चैनल जो मेरा पहला चैनल था जो कि अब नहीं है सो दैट्स अ होल न्यू केस मैं यहाँ पे एक वीडियो आई बटन पे डाल दूंगी वहां से आप सुन सकते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वाई आई लाइक डिलीटेड माई चैनल एंड स्टाफ सो बेसिकली वो सारे पॉइंट भी मैं कवर अप कर दूंगी आज की वीडियो पे अभी सो द केस इज जो मेरा पिछला चैनल था वहां पे भी आई स्टार्टेड माई चैनल विथ मेकअप एंड फैशन कंटेंट ओनली वहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो अपना पर्पल का एक लिपस्टिक का वीडियो डाला था जिसमें से मेरा एक भी लिपस्टिक नहीं था सारे मम्मा के लिपस्टिक्स थे तो वैसा था मुझे नहीं पता था उस उस चीज़ के बारे मुझे में मुझे मेकअप इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था देन अब देखो फैशन के बारे में तो पता था बिकॉज़ आई एम ऑलवेज कि मुझे थोड़े अच्छे से ड्रेस का होना हमेशा पसंद है तो फैशन के बारे में तो ठीक है आई न्यू इट तो जो मेरा उसमें भी उस टाइम पे आई गेस उस समय मेरा वन के व्यूज चला गया था विद इन टू मंथ्स तो मेरा एक मिंत्रा का मैंने जम्प सूट का कोई हॉल बनाया था सो दैट्स द केस जो मुझे पसंद है ना जिस पे आई हैव नॉलेज तो अगर आपको लगता है कि आपको मेकअप पे इंटरेस्ट है या तो आपको आता है थोड़ा बहुत भी तो स्टार्ट विद दैट कुछ भी मत सोचो स्टार्ट विद दैट यू हैव क्लोज आप ऑनलाइन शॉपिंग कोई कौन नहीं करता है यू स्टार्ट विद दैट नो इश्यू बट अपलोड मत करो शूट करो अच्छे से एंड देन कीप इट मैं तो बोलूँगी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप वीडियो रखो अपने पास सी कि आप एडिटिंग कर पा रहे हो कि नहीं सी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो लोगों को अपनी वीडियो दिखाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड है अपनी मम्मा है तो उनको आप दिखाओ कि बिकॉज आजकल सब YouTube देखते हो तो उन्हें पता रहेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो क्या आप कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होके बोल नहीं पा रहे हो या वॉट इज़ द थिंग क्वालिटी में डिफरेंस है क्या लग रहा है वॉइस अच्छी नहीं आ रही है क्या डिफरेंस है वो पूछो सबसे एंड देन गेट इन टू दिस लाइक वीडियो थिंग क्योंकि एक बार हो जाता है ना आप अगर आ गए देन यू शुड नॉट लुक बैक एक हो जाता है कि आ गए मैंने कैमरा ले लिया मैंने फ़ोन ले लिया मैंने सब अच्छा सेटअप कर लिया बट देन आई एम नॉट कंसिस्टेंट क्योंकि मुझे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं देन आई स्टॉप अपलोडिंग ऐसा हो जाता है सीन बट डोंट डू दैट गर्ल नाउ द सेकेंड थिंग इज की कंसिस्टेंसी मेरा तो लास्ट चैनल था ये बस इसी के वजह से मैंने बंद किया कंसिस्टेंसी की वजह से बिकॉज मेरा कोई टाइम नहीं था मेरा कोई डे नहीं था मैं कब अपलोड कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ मैं अपने बर्थडे सीरीज़ में कंटिन्यू 17 डेज बैक टू बैक वीडियोज़ डाली थी बट दैट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी क्योंकि मैं सेवनटीन 17... लाइक like, जिस दिन से मेरा फर्स्ट मार्च स्टार्ट हुआ उस दिन से उस दिन से फेबररी में मैं शायद दो तीन वीडियो डाली होंगी एंड देन द सेवेंटींथ डे जब मेरा वीडियो ख़त्म हुआ डालने का देन मे बी उसके बाद मैंने एक दो ही वीडियो डाला तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होता है इफ़ यू आर अ वेरी बिग क्रिएटर उसके बाद ये सब करो तो भी सही लगता है बट इनिशियली आप ऐसा नहीं कर सकते मेक यूर माइंड जैसे हम ट्यूशन जाते हैं सोचते हैं ना कि इस दिन हमारा ट्यूशन है तो हम उसी दिन जाते हैं तो वैसा ही करो मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ आई थिंक लास्ट दो तीन महीने से आई एम वेरी वेरी मच पुटिंग एफर्ट ऑन कंसिस्टेंसी लाइक कुछ हो जाता है मैं वीडियोज़ के डेट मिस नहीं करती हूँ इट्स लाइक like कि कभी कभी बहुत अर्जेंट हो जाता है तो शायद महीने में मैं एक बार ऐसा करूं कि मैंने फ्राइडे का वीडियो सैटरडे डाल दिया बट नो आई डोंट डू दैट जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन आज एकादशी है मतलब आप समझो एंड रात के बज रहे हैं ग्यारह एन एम फिल्मिंग हेयर मैं सुबह से फास्टिंग करके हूँ बट आई नो कि कल सुबह ग्यारह बजे मुझे वीडियो डालनी है तो आई नीड टू मेक फैन ऑफ है समर के सीजन पे सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग कुछ भी करे हो ना लाइफ मेंडेड अगर आप अगर आप नीट की प्रिपेरेशन करे हो आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो यू आर सेक्रीफाइजिंग फ्यू थिंग्स एंड एंड यू आर डूइंग हार्डवर्क राइट तो इसमें भी वैसा ही है इट्स नॉट सिल्वर स्पून की हाँ मैंने कर लिया में हो गई वो दो दिन का चलता है mm. उसके बाद नहीं होता है जो वायरल होता है ना लोग वो दो दिन का ही रहता है बट इफ़ यू आर जेनविन देन योर हार्ड वर्क इज लाइफ टाइम सब्सक्राइबर्स काउंट मैटर नहीं करते यू नो वॉट बट अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है ना देन ब्रांड्स विल कम टू यू एंड पे यू इन लैक्स लैक्स रुपीज डजेंट मैटर कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपका अगर कॉन्टेंट अच्छा है ना तो आप रहोगे इट्स लाइक दैट बात है बी रियल ये तो मैंने बता दिया साथियों देखो यूट्यूब पे क्या है ना यूट्यूब का शॉर्ट्स का जो अलगोरिद है ना वो बहुत अलग है मेरे लिए आई स्टार्ट विथ लाइक ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं था पहले मैं शॉर्ट्स ऐसे मुझे बहुत सारे लोग ने बोला तुम शॉर्ट्स डालो तुम शॉर्ट्स डालो सो आई वॉज लाइक कि मैं जो इंस्टा पे डालती थी रील्स वही मैं उठा के इधर डाल देती थी, थी ट्रांजिशन वगैरह तो इट वाज लाइक ओके नॉर्मल व्यूज आ रहे थे वन के तक ओके टू के तक टू के भी आ रहे थे तो मैं बहुत खुश हो रही थी ठीक है बैक इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई गेस ट्वेंटी टू के जनवरी में ऐसा कुछ या तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन के एंड में जब शॉर्ट्स आया था तभी सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि वॉट शुड आई मे कि ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ अच्छे खासे डाल रही थी एंड मेरे पास कोलेब्रेशन उसी से आ रहे थे तो मुझे उतना नहीं था कि क्या है नहीं है एंड फिर सब्सक्राइबर्स भी मैं देख रही थी कोलेब्रेशन आ ही रहे तो सब्सक्राइबर्स का क्या है ठीक है ऐसा चल रही थी तो एंड लाइक मैंने तो होप ही छोड़ दिया तो मुझे लगा था कि सब्सक्राइबर्स तो किसी के नहीं बढ़ते हैं ये सब क्या है फालतू के इनके इतने ही थे शायद बहुत ही यूजलेस थिंकिंग था मेरा उस टाइम पे देन आई स्टार्टेड लाइक मैं क्योंकि शॉप करती थी अमेजोन से मीशो से तो आई थाट कि मैं यही शॉर्ट्स पे भी दिखाती हूँ कि कैसा है रिव्यू वगैरह एक दो कपड़े मेरे मीशो से बहुत ख़राब आए थे लाइक like, बहुत ही रद्दी सी क्वालिटी आई थी तो आई जस्ट मेरे पास उस टाइम कैमरा नहीं था फ़ोन ही था नॉर्मल ओप्पो का फ़ोन था तो उसी से मैंने डाल दिया तो क्वालिटी तो बहुत ही बेसिक सी थी देन आई वैन टू मिनीसो देन आई वन टू जारा तो वहाँ के जितने कलेक्शन थे मैं वो दिखाती थी मिनीसो के जो मैंने प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ वो मैं दिखाती थी तो ऐसा करते करते ना मेरे थोड़े बहुत व्यूज आने लगे लाइक थर्टी भाई फाइनली मैं अपने लाइफ में ये डिजिट देख रही हूं कि हाँ टू के फाइव के से ऊपर भी एक डिजिट होता है व्यूज में पहली बार देख रहा हूँ मेरे आग से आंसू आ गया था लिटरली आई एम नॉट किडिंग देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वही कंटेंट मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ के बारे में एकदम भूल गई लाइक आई ओनली न्यू कि अच्छा यहाँ से ही मेरे व्यूज आ रहे हैं यहाँ से ही मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो आई नीड टू डू यही तो मैंने पूरा दम लगा दिया शॉर्ट्स पे ही आई गॉट एन न्यू कैमरा बिकॉज देखो बहुत सारे क्रिएटर्स बोलेंगे आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है आपको आप अपने नॉर्मल एंड्रॉयड से बना सकते हो नो ब्रो यू कैन नॉट बिकॉज आजकल इतने ज़्यादा ज़्यादा गुड क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोड्यूस करे लाइक सेलिब्रिटी के वीडियो से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के वीडियोज़ यूट्यूबर्स के हो रहे हैं तो यू नो कि इतना ज़्यादा कंपिटिशन ज़्यादा है तो so, वी के नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देट तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आईफोन ले सकते हो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेना है ट्यूशन पढ़ाओ एंड देन दिन में दो घंटा आप आराम से निकाल सकते हो ट्यूशन पढ़ाओ एंड देन आप लाइक ई एम आई पे अपना फ़ोन ले लो कैमरा ले लो जो भी करना है करो बट देन डू इट बिकॉज लो क्वालिटी में कुछ नहीं चलने वाला एंड बैक कैमरा वाला सीन तो मुझे नहीं समझ आता बैक कैमरे से तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाती हूँ अगर तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी बैक कैमरा दे विल हेल्प कि हाँ आप ठीक से आ रहे हो कि नहीं तो अब तक इट्स ओके बट आई डोंट थिंक कि आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत है बिकॉज बींग अ सिंगल चाइल्ड मैंने uh, सब चीज़ें अकेले ही करी हैं मोस्टली तो बहुत रेयर टाइम होता है कि मैं मम्मी को परेशान करके बोलती हूँ कि देख दो ले दो वीडियो तो ये सब बहुत रेयर होता है मैं खुद से ही लेती हूँ तो पहले मेरे पास कैमरा था अभी मेरे पास आईफोन है तो मैं कुछ चीज़ें आईफोन से लेती हूँ कुछ चीज़ें कैमरा से भी लेती हूँ पैस हो गया मेरा नाउ हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब पैसे तो सबको चाहिए यार पैसे सबको चाहिए तो जब आप YouTube चैनल बना रहे हो तब आपको पता है कि आपको अर्निंग होने वाली है तभी आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है बिकॉज यूट्यूबर्स ने अपना लाइफ इतना ज़्यादा फ्लैक्स कर रखा है ना कि सबको आजकल यूट्यूबर बनना है सो दैट्स द केस ठीक है कुछ गलत नहीं है बिकॉज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें आउटकम पता होना चाहिए तभी हमें कुछ अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए डेफिनेटली तो YouTube से आप बहुत सारे वेज से पैसे अर्न कर सकते हो देर आर थ्री थिंग्स फर्स्ट एडसेंस, एडस कोलेब्रेशन एंड थर्ड इज अफिलट मार्केटिंग तो सबसे पहले आती हूँ मैं अफिलियट में क्योंकि ये दोनों से पहले मेरा ये था तो नहीं सबसे हाँ यही था अफिलियट था सो इट्स लाइक कि अमेजोन पे या तो विशलिंग पे आप वहाँ पे कॉन्टेंट uh, बनाते हो मान लो यूट्यूब पे इंस्टा पे आप बना रहे हो वही सारे प्रोडक्ट्स आप विश पे जाके या तो अमेजोन पे जाके टैग करो उसी प्रोडक्ट उसी लिंक से अगर कोई आपका परचेज करता है देन यू गेट कमीशन दैट पर्सन हैज नो हार्म वो वही सेम प्राइस से परचेज कर रहा है जो उसको वेबसाइट पे शो हो रहा है इट्स नॉट लाइक कि उनसे पैसे लेके आपको दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सो दे टेन परसेंट कमीशन नाइन परसेंट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट ऐसा कमीशन होता है सो दैट्स वन वे जिससे आप अर्न कर सकते हो पीपल आर अर्निंग सिर्फ अफिलिएट लिंक से कम से कम लैक्स में अर्न कर रहे हैं लोग जो तो कभी बड़े वीडियोज नहीं

तो आप अपना आपके पास जो भी प्रोडक्ट है लाइक यू यूज समथिंग राइट आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो कुछ भी उसका आप कोशिश करो कि आप उसके बेस्ट से बेस्ट शॉट्स निकाल सको देर आर लोग आपको बोलेंगे कि आप लेंसेज ले लो फोन के लिए मैं बोलती हूँ आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाओ एंड उसी से आप अच्छे अच्छे शॉट्स क्लिक कर सकते हो आई हैव सीन पीपल जो अपना फेस भी नहीं दिखाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट शॉट से ही उनको इतने कोलेब्रेशन आते हैं सो इट्स लाइक दैट बट पहले ही दिन से कोलेब्रेशन के पीछे मत भागो एटलीस्ट गिव यल्फ थ्री मंथ्स का टाइम प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कॉन्टेंट ब्रांड आपके पास आएगा आप ब्रांड्स को रीच आउट करोगे ना तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि यार मेरा तो चैनल अच्छा नहीं दिख रहा है व्यूज में मत जाओ आपका कंटेंट अच्छा होगा ब्रांड्स आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे देर आर सो मेनी ग्रुप्स जहाँ से आपको फॉर्म्स मिल सकते हैं अच्छे खासे ब्रांड्स के तो यू नीड टू फिल दस फॉर्म एंड इफ यू आर सिलेक्टेड इफ योअर आईडीज लाइक प्रॉपर एंड स्टाफ तो आपको कोलेब्रेशन मिलती है आपको प्रोडक्ट्स आते हैं टू लाइक क्रिएट कॉन्टेंट फॉर दैम फिर वैसे चलता रहता है दी है बाटर एंड पेड एंड फ्यू एंड या थर्ड वन रेम्बर्समेंट रेम्बर्समेंट तो कभी मत करना दो आप पेड एंड कोलेब तो पेड एंड बाटर तो कर सकते हो डेफिनेटली बाटर इज समथिंग मैं अभी भी बाटर करती हूँ बिकॉज आई फील नॉट द अमाउंट और नथिंग मुझे लगता है कि इससे मेरा कॉन्टेंट बन जाएगा दैट्स वॉट आई नीड राइट मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने पाँच सौ तीन सौ चार सौ रुपये खर्च करके एक सनस्क्रीन मंगवाऊँ एंड देन उसको मैं दिखाऊँ तो क्या है बाटर कर लेते हैं उसमें क्या है उनको उनको मेरे से कॉन्टेंट मिल रहा है मुझे कॉन्टेंट मिल रहा है प्लस मुझे प्रोडक्ट भी मिल रहा है तो आई डोंट फील अशेम्ड और समथिंग एंड यू शुड नॉट फील टू बिकॉज एज अ बिगनर यू डेफिनेटली बट ऐसा है कि मैंने पेड भी बहुत कर रखा है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बाटर करती हूँ बहुत ज़्यादा मैंने पेड कर रखा है यूट्यूब मेरे यूट्यूब में ऑलमोस्ट सारे मेरे पेड ही होते हैं बहुत कम ही होता है जबकि मैं यूट्यूब पे बाटर करती हूँ मैं नहीं करती जो इंस्टा पे बाटर करती हूँ उसका वीडियो इधर डाल देती हूँ इट्स फॉर माय कंसिस्टेंसी ग्राफ को मेंटेन करने के लिए अदरवाइज आई डू पेड ओनली यूट्यूब पे तो यूट्यूब अच्छा खासा यूट्यूब से अच्छा खासा मतलब अमाउंट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम नाउ इफ़ यू हैव गुड देखो यूट्यूब पे ना फॉलोअर्स या तो सब्सक्राइबर्स जो बोलो ना गेन करना ईजी है इंस्टा पे इट्स डिफिकल्ट सो आई क्रिएट अ होल न्यू कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अलग से कि इंस्टा एंड यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है एंड क्या नहीं एंड थर्ड है एडसेंस तो ये तो आपका चैनल मोनिटाइज होगा उसके बाद ही आप कर सकते हो अगर मैं अपना अर्निंग बताऊं यूट्यूब से सो इट्स लाइक कि देखो मेरा जो सबसे हाइस्ट व्यूड सो so, यूट्यूब से ना देखो दो टाइप से आप एडसन से अर्न कर सकते हो एक है शॉर्ट्स एक है लॉन्ग फॉर्म एड वीडियो तो शॉर्ट्स से ना अर्निंग बहुत कम होती है इट्स लाइक like, मतलब मेरे मैं आपको अपना खुद का बता रही हूँ सो इट्स लाइक कि एक्चुअली मेरे 1.7 मिलियन 1.6 मिलियन 1.1 मिलियन एंड दन बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे खासे रीच उनको मिले हैं अगर उनकी अर्निंग की बात करूँ सो इट्स लाइक वन पॉइंट सेवन मिलियन व्यूज़ में मुझे सिर्फ वन पॉइंट फोर्टीन डॉलर्स ही मेरे बन पाए हैं उससे आप समझो वन पॉइंट फोटीन डॉलर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड रुपीज़ के आसपास एंड देन अगर दूसरे की बात करूं दूसरों तो देख लो वन पॉइंट वन मिलियन में अगेन जीरो पॉइंट फोर्टीन डॉलर्स तो ऐसे है एंड अगेन अगर मैं अपने सबसे ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट बड़े वीडियो की बात करूं उससे मैंने ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड डॉलर अर्न किए हैं अभी तक वो वाले बड़े वीडियो से सो इट्स लाइक कि डेफिनेटली अर्न करना है तो आपको बड़े वीडियो डालने हैं सब्सक्राइबर्स गेन करना है तो आपको शॉर्ट्स डालने हैं तो यू नीड टू बैलेंस योर स्टाफ बिटवीन शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो फिर वो बहुत अच्छे से हो जाएगा दैट इज द ओनली केस इन डिटेल अगर आपको कोई भी टॉपिक जानना है तो आप कमेंट करो या तो फिर मेरे इंस्टा पे जाके मुझे बोलो तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगी एंड फिर आपको जो भी क्वेश्चन है ना उसको अल्कूमेट करके मैं फिर से एक बड़ी वीडियो लेके आऊँगी दैट द केस एंड लेट्स टेक द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे डे इज वीडियो व्हिच इज हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर यू गाइस टू ग्रो तो मैं बताती हूँ आपको कि आई हैव सीन पीपल जिनके तीन महीने में भी, भी चैनल बहुत ग्रो कर गया है एंड आई हैव सीन पीपल जिनके तीन साल में भी कुछ नहीं हो पाया है सो इट्स समथिंग लाइक दैट इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेंट अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत दमदार कॉन्टेंट बना रहे हो वन ईयर भी बहुत है अगर आप अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हो अगर आप बिल्कुल भी लेजी नहीं हो यूफ यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड अपने आप को आप किसी भी एंगल से बड़े यूट्यूबर्स से कम नहीं समझते हो दैन वन ईयर इज ऑल्सो वेरी वेरी वन ईयर में आप एक ऐसे पोजीशन पे तो पहुंच जाओगे जहां पे यू कैन से कि हाँ चलो आई एम इन अ पोजीशन तो ये आप बोल सकते हो फॉर मी इस पोजीशन में आने के लिए मुझे आई गेस वही ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव ईयर्स के अराउंड इन दिस पोजीशन तो उससे पहले मैं जितने भी वीडियोस बनाई जो भी करी इट्स लाइक कि वो सब पानी में वो सब का कुछ भी काउंट नहीं होता है लास्ट जब से मैंने शॉर्ट्स अच्छे से बनाना स्टार्ट किया है टू अभी तक इट्स गुड इट्स गोइंग गुड लाइक देर इज नो लुकिंग बैक देर इज नो डिजअपॉइटमेंट एंड इट्स द ग्राफ इज गोइंग ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे जा रहा है ऊपर तो नीचे होता है बट देन यू नो कि हाँ इट्स गोइंग सो या गाइज दैट्स इट फॉर डि डेज वीडियो मुझे बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा एंड इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दिस वीडियोजन डू लेट मी नो आई वी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एनी टाइम सो या दैट इट फॉर डिडेज गाइज आई रियली होप यू गाइज इंजॉयड एंड इफ यू डू सो देन यू नो वॉट टू डू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो एंड आई एल सू गरी सून विद्रीडियो टिल हरे कृष्ण